केंद्र सरकार इसराइल के समर्थन में है तो कांग्रेस फिलिस्तीन के। एक बार फिर कांग्रेस का फिलिस्तीन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि इसराइल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के बीच लंबे समय से जंग जारी है। इस बीच 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी और गाजा के अस्पताल पर हुए हमले, फिलिस्तीन और इसराइल का जिक्र कर एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि गाजा में अस्पताल और रिहायशी इलाकों पर बमबारी के कारण सैकड़ों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जान चली गई। यह न्यायपूर्ण और गंभीर मानवीय त्रासदी है जिसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दरअसल अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल में 17 सितंबर को हुए अटैक में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस ने कहा, 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल के लोगों पर किए गए हमले की निंदा करते हैं। ये भी अस्वीकार है कि इसराइल की सेना आवासीय एरिया और गाजा स्ट्रिप पर अटैक कर रही है। कांग्रेस फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालिक समर्थन को दोहराती है, बयान में ऐसा कहा गया है। उनके बयान में आगे कहा गया, अपने स्वयं के संप्रभु राष्ट्र में गरिमा, आत्मसम्मान और समानता के साथ जीवन जीने की फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षा बहुत समय से लंबित है और ये पूरी तरह से वैध है। इन आकांक्षाओं को नियमित रूप से दबाया और नकारा गया। लाखों फिलिस्तीनियों को बेदखल और विस्थापित किया गया है, वो भय के माहौल में रह रहे हैं। कांग्रेस ने अपने द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट में लिखा, कांग्रेस तत्काल युद्ध विराम और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की अपील फिर से दोहराती है। पार्टी सभी पक्षों से युद्ध का रास्ता छोड़कर बातचीत और कूटनीति की प्रक्रिया शुरू करने का आह्वान करती है ताकि फिलिस्तीन के लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो सके, इसराइल की सुरक्षा चिंताओं को भी सुनिश्चित किया जा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा, गाजा में बच्चों सहित हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या करना, उनके भोजन, पानी और बिजली की आपूर्ति बंद कर लाखों लोगों की सामूहिक सजा मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्होंने आगे कहा, हमास के इसराइल के निर्दोष लोगों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है, इसकी निंदा भी एक की जानी चाहिए। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही हिंसा को समाप्त किया जाना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसराइल पर हमास ने 7 अक्टूबर को रॉकेट हमला कर घुसपैठ कर दी थी। इस दौरान हमास ने आम लोगों को निशाना बनाया। इसको लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम युद्ध में हैं और जीतेंगे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि जंग में 3,785 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं इसराइल में 1,400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।